किनाडा से मद्रास जावे वाली सरकार एक्सप्रेस के रास्ते में बड़ी चोरी होगी। कौन है रे तू? 25 सालों में इतना सारा क्राइम लिटरेचर? मेहनत की कमाई हुई दौलत धोखा काहे दे? ये स्टुअर्ट पूरम हमार है तो यहाँ आवे वाली दौलत तुम्हारी कैसे हो? शूट अ साइट ऑर्डर तैयार कीजिए। 24 लोगों को क्यों मारा? बॉलीवुड ने अभी हाल ही में कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज निकाल दी तो साउथ सिनेमा कहाँ पीछे रहने वाला है। तेलुगु मूवी एक और आ रही है जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाली है, जिसका नाम है टाइगर नागेश्वर राव। रवि तेजा इस मूवी में कमाल करने वाले हैं और मूवी रियल बेस्ड स्टोरी पे है, यानी कि एक रियल इवेंट हुआ था पास्ट में जिसको लेके यहाँ पे इस मूवी को बना दिया गया। मूवी दोस्तों कहने को तो चोरी पे है, लेकिन वो चोर जो था वो रॉबिनहुड टाइप का था और बहुत कुछ किया उसने, जिसकी स्टोरी इस मूवी में पूरी दिखाई जाने वाली है। मूवी चलेगी 1970s में, उस टाइम पे मूवी चलेगी। लेकिन खास बात इस मूवी की जो है, इसमें कुछ बॉलीवुड एक्टर या फिर कुछ डेब्यूट करने वाले हैं, यानी कि कीर्ति सेनन की बात करें, कीर्ति सेनन की बहन इसमें आ रही है, नुपुर सेनन, वो आने वाली हैं। और उसके बाद में साउथ इंडस्ट्री में पहली मूवी में कदम रखने वाले अनुपम खेर भी इस मूवी में आपको देखने वाले। और अनुपम खेर जब सीरियस रोल में होते हैं, यानी कि पुलिस या CBI के रोल में होते हैं, तो बहुत जचते हैं, जो कि इस मूवी में भी आपको दिखने वाला है, क्योंकि वो रोल करने हैं एक CBI ऑफिसर का। अब मेन जो लीड रोल है रवि तेजा जो कि कर रहे हैं यहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव का। अब नागेश्वर राव की बात करें दोस्तों, मैंने पढ़ा उनके बारे में, जाना बहुत कुछ, तो नागेश्वर राव 1970s के हीरो कह सकते हैं या फिर विलन या फिर आप कहें चोर, सारे ही नाम उन पे अप्लाई होते हैं। उस टाइम पे बहुत सारी चोरियां हुआ करती थी। फिर 1917 पे एक ऐसा बंदा है जो बता के चोरी करता था, कहता था कि मैं चोरी करने वाला हूं, पुलिस को फोन करके बोलता था कि चोरी करने वाला हूं, और डेयर डेविल तरीके से चोरी करता ही था, कर लेता था। तो अब वो रहने वाला था स्टॉटपुरम का, और स्टॉटपुरम में बहुत से ऐसे और बाकी लोग थे जो इस चीज़ को अपोज करते थे। अब उनसे कैसे लड़ेंगे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब टाइगर नागेश्वर राव की बात करें तो कहने को तो चोर थे, लेकिन वो गरीबों की मदद करते थे, यानी कि मूवी थोड़ी सी इमोशनल भी होने वाली है, और मूवी में कुछ तड़का भड़का भी डाला गया, यानी कि कुछ रोमांस भी डाला गया है, कुछ हीरोइंस भी डाली गई हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी थोड़ी सी मूवी घूमेगी जिसमें दिखाया जाएगा अब टाइगर नागेश्वर राव बना कैसे, उसके लिए भी आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। क्योंकि उससे पहले जो स्टॉटपुरम में सारी चीज़ें घटी हुई थी, जिनकी वजह से इनको बनना पड़ा एक चोर, और चोर बनने के बाद में कैसे ही अपने लोगों का संघार करते हैं, कैसे अपने लोगों को बचाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। अब मूवी की जो यहाँ पे स्क्रिप्ट लाइन है वो तो हमें क्लियर है क्या होने वाला है, 1987 में मर भी जाएंगे इनकाउंटर में, ये सारी चीज़ें तो मूवी में क्लियर है। लेकिन उसके बीच में जो यहाँ पे हमें ट्रेलर में देखने को मिला, बहुत सारे AI इफेक्ट डाले गए, बहुत सारे VFX इफेक्ट डाले गए जो अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी हद तक सही लग रहे हैं। उसके अलावा जो इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया वो बहुत तगड़ा लग रहा है, साथ में जो एक्शन सीन्स, जो रवि तेजा का एग्रेशन दिखाया गया है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सस्पेंस की बात करें तो रवि तेजा की बहुत सारी मूवीज़ मैंने देखी, जिसमें उनकी मूवीज़ में थोड़ा बहुत सस्पेंस तो रहता ही रहता है, तो इस मूवी में थोड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो हो सकता है कि मूवी के एंड तक आपको पता चले कि वो उन्होंने किया ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हालांकि मूवी रियल बेस्ड इवेंट पर है, यानी कि स्टोरी पहले से ही क्लियर है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो मूवी थोड़ी सी ड्रामेटिक बनाने के लिए कुछ इसमें चीज़ें डाली गई हैं जो कि ओरिजिनल इवेंट से रिलेट नहीं करेंगी, लेकिन मूवी है तो मूवी में कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मुझे मूवी में दिखी, नरेशन जिस टाइप का देखा वो KGF की याद दिलाता है कि कैसे KGF में नरेशन किया गया स्टोरी का, वैसे ही यहाँ पे भी स्टोरी को नरेट करते हुए दिखाए गए हैं। साथ में PM का भी जिक्र हुआ है, PM सिक्योरिटी थ्रेट है, वो सारी चीज़ें भी दिखाई गई। और अनुपम खेर कैसे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे नागेश्वर राव को सामने लाएंगे या नागेश्वर राव को बचाएंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। तो मूवी ओवरऑल इंटरटेनर होने वाली है, बहुत ही बड़ी इंटरटेनर होने वाली है। इस अक्टूबर में देखा जाए तो अभी तक अकाल पड़ा हुआ, लेकिन 19-20 को जो मूवीज़ रिलीज हो रही है बहुत बड़ी, यानी कि 20 तारीख को ये रिलीज़ हो रही है, और उसी वीक में लियो भी रिलीज़ हो रही है जो कि थालापति विजय की मूवी है। तो ये दो मूवी जो साउथ की, एक तमिल तेलुगु, दोनों ही ब्लॉकबस्टर बनने वाली हैं और धमाल करने वाली हैं इस मंथ में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेके आऊँगा अगला रिव्यू, तब तक के लिए बाय बाय।